हरियाणा के करनाल जिले में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले में तीन युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों मृतकों में से दो रिश्ते में भाई थे। इनमें से एक भाई की शादी मार्च में थी। तीनों पानीपत के मतलोडा स्थित पिज्जा शॉप में काम करते थे। देर रात वहां से लौटने के दौरान वे हादसे का शिकार हुए या उनकी हत्या कर दी गई, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तीनों के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। अब उनके शव पोस्टमार्टम के लिए करनाल लाए गए हैं। हादसे के शिकार बने युवकों के नाम बंटी पुत्र इतवारी निवासी कबूलपुर खेड़ा, अक्षय पुत्र सुरेश निवासी कपूलपुर खेड़ा और मतलोंडा निवासी रविंदर खरासपुर बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि युवक दुर्घटना के शिकार बने या फिर उनकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक मतलोंडा की पिज्जा गैलरी से शनिवार देर रात छुट्टी करके घर की ओर एक ही बाइक पर निकले थे। काम खत्म कर लौट रहे थे दोनों घर को। देर रात किसी समय गांव कबूलपुर खेड़ा के पास तीनों के शव मिले। तीनों युवकों की उम्र 22 से 23 साल के बीच बताई जा रही है। राहगीरों से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों की पहचान करने के बाद परिजनों को सूचित किया गया। इसी के साथ तीनों युवकों के परिवारों में हड़कंप मच गया। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पिज्जा शॉप पर जाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि तीनों दोस्त थे और देर रात काम खत्म करके घर जाने के लिए निकले थे। पुलिस टीम ने मौके पर मिले तमाम साक्ष्य जुटा लिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि हादसा हुआ है या हत्या की गई है, क्योंकि सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इसीलिए पुलिस मामले को हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा, लेकिन यह घटनाक्रम एक पहेली बनी हुई है। सर, ये क्या मामला है, तीन युवकों की जो मौत हुई है, कैसे पता लगा? ये जी, मेरे पास तो अभी सुबह फ़ोन आया था। मैं एक्चुअली इनका जीजा हूँ जी, जो लड़का मरा है जी, इसका जीजा हूँ। तो सुबह भी फ़ोन आया था मेरे पास, तो तब पता चला मुझे। उसके बाद यहाँ के पता चला कि वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसमें रॉड वगैरह मिली है वहाँ पे बच्चे, और जो बॉडीज मिली हैं वो अलग अलग नहीं मिली है, बल्कि एक के ऊपर एक रखी हुई मिली है। सिर पर चोट है, सिर कहीं भी कोई भी उनके घसीट वगैरह कोई भी नहीं है, ना मोटरसाइकिल में कोई भी किसी तरह का कोई स्क्रैच है। सड़क हादसा बताया गया कि वैसे सड़क हादसा बता रहे हैं, बट हमारा डाउट तो ये है कि इसमें हत्या का मामला है। सड़क हादसा, ये क्या काम करते थे? ये पिज्जे की शॉप पे लगे हुए थे ये तीनों, मतलोडा नहीं पानीपत में। अच्छा, तो पानीपत से आ रहे थे या जा रहे थे? घर आ रहे थे शाम के टाइम। सुबह ही पता लगा, सुबह पता लगा। के रहने वाले हैं तीनों, एक खराजपुर का है जी, कबूलपुर खेड़ा, दो कबूलपुर खेड़ा के हैं जी। अच्छा, कट्ठी काम करते हैं? हाँ, दो मामले के लड़के हैं जी, एक बुआ का लड़का है। क्या नाम आपका? मेरा संजीव नाम। ये सर, हमने तो सुबह पता लगा था इनके बारे में जी, तो जैसे मैं घर की तरफ गया, कहने लगे भाई चोट लगी बच्चों का, तो आके पता लगा यहाँ पूरे हो गए जी तीनों के तीनों। फिर बता रहे हैं भाई इनके पास राड भी मिली है जी, और तीनों बॉडी ऊपर नीचे मिली है जी इनकी। तो क्या करते थे, कैसे रात को आते थे काम? मोटरसाइकिल पे आते थे सर, अपने बाइक पे जाते थे तीनों, और उस पे लगे हुए थे दुकान पे जी, तो तनख्वाह पे। हाँ जी, हाँ, पहले ही करनाल लगे हुए थे, कोरोना करके फैक्ट्री बंद हो गई थी जो भी लगे हुए थे जी। अच्छा। तो इस करके अपना काम धाम तो कोई था नहीं जी, वहाँ पर रोजगार मिल गया था। कितने बजे का मामला बताया जा रहा है? ये 10:30 बजे का जी। अच्छा, तो सुबह कैसे क्या पता लगा? सुबह तो घूमने के निकले थे जब पता लगा जी तीनों की मौत हो गई। हाँ जी, फिर क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई ये है जी, पुलिस से भी छानबीन करे जा रही है। रॉड भी मिली पास? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये क्या क्या नाम है इनका तीनों का? एक का तो है जी, दो एक बंटी है जी, अक्षय बंटी। हाँ जी, और एक रविंदर। हाँ जी, शादीशुदा है? नहीं, एक शादीशुदा, दो कुमार हैं जी। अच्छा, एक के तो अभी बच्चा होने वाला, 9 महीने लगा, वो घर जाता था अभी, बू के टाइम पूरा हो रहा है जी, तभी शादी हुई थी साल को। पुलिस को इतला मिल गई? हाँ जी सर। तो आप मांग करेंगे कि हत्या की? हाँ सर, इंक्वायरी होनी चाहिए भाई, हमारे बच्चे ऐसे मारे जाएंगे तो आज ये कल और मरेंगे जी इस तरह। क्या नाम आपका? विजय सर। आपको क्या पता लगा इसके बारे में? अभी तो कुछ नहीं जी, क्या रहा, घंटे बाद आएगी पुलिस। अच्छा। पर्चा वैसे दरखास्त दे दिया जी, पर्चा दर्ज हो चुका है, तो अभी आएगी 1-1.5 घंटे बाद, यहाँ पता लग जाएगा उसके बाद क्या कार्रवाई है। तो क्या लगता है आपको, क्या? मेरे को तो सर यही है, किसी ने मतलब ये अकाउंट किया है, हत्या की जी किसी ने। राड वगैरह बता रहे मिली है? हाँ, ये भी बता रहे हैं। तो कौन कौन थे, क्या क्या नाम था? एक का नाम रविंदर है जी, एक का नाम अक्षय है, और एक का नाम बंटी है जी। कबूलपुर खेड़ा कह रहे हैं? नहीं, एक तो रविंदर है जो गांव खिराजपुर से है, मेरा छोटा भाई है जी। दो कबूलपुर, दो मेरे मामा के लड़के हैं वो।
बंटी और अक्षय जी गांव को बोल कर खेड़ा है। चोट लगी उनके सिर में, चोट लगी बस जी उनके ना गर्दन से ऊपर पर चोट है, मुंह पे मतलब चेहरा पहचान में नहीं आ रहा तीनों का जी, ऐसा ऐसा जगह डेड बॉडी है मिली उनकी, मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी जी ये बता रहे हैं। तो आज पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आए? हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है जी।